मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय। ओम श्री गुरुदेव बताए। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शुभ शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविक कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 8 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1945, रात 11:51 के बाद 1947 शालिवान शक शुरू होगा। संवत्सर शोभन संवत्सर है। रात 11:51 के बाद बोधि संवत्सर शुरू हो। अयन उत्तरायण है दोस्तों, ऋतु शिशिर ऋतु है। और रात 11:51 के बाद वसंत ऋतु शुरू होगा। मास दोस्तों फागुन मास है। रात 11:51 के बाद चैत्र मास शुरू होगा, नया साल। पक्ष दोस्तों कृष्ण पक्ष है। रात 11:51 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। तिथि दोस्तों आज की अमावस्या, रात 11:51 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। सुबह 10:13 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों इंद्र योग है। शाम 6:14 के बाद वैधुत्री योग शुरू होगा। करण दोस्तों चतुष्पाद करण है। दोपहर 1:35 के बाद नाग करण शुरू होगा, और रात 11:51 के बाद कृष्ण करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होती। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और दिगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:28 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:53 पर। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, ये फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सिद्ध प्रमो द्वितीय पराग श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन कलियुगे प्रथम पाद जंगुल भरतवर्ष भरत मेरो दक्षिण दिक्पा के महाराष्ट्र देश व्यावहार का चांद्रमा शालिवान शक 1900 प्रभादि षष्ठी सहस्रो शोभन नाम सहस्र उत्तरायणी शिशिर ऋतु फागुन मास कृष्ण पक्ष सोमवार वास उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र इंद्र योग चतुष्पाद कन्या अमावस्या शुक्र वीरभद्र उत्पन्न कर मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पुत्र विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा प्रदेश। दोस्तों यह संकल्प यही खत्म हो चुका। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की कारण मर्यादा जो है सुबह 10:13 तक, इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के माध्यम में पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें, तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा।
दोस्तों, अमावस्या होने के कारण कोई भी मुहूर्त किसी भी धार्मिक विधि के लिए नहीं है दोस्त। और ऐसे समय में खुद के फायदे के लिए आप किसी पंडित के सहारे नया संकल्प निर्वाण ना, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तब जाकर आप असली जो संकल्प होता है उसका मजा ले पाएंगे। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, पंचांग शुद्धि पर जटिल क्योंकि अमावस्या है। दिन विशेष दोस्तों दर्श और सोमवती अमावस्या। इस अमावस्या के दरमियान मैंने जो भी आपको उपाय बताए हैं वो आप कर सकते हो दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकते। ये रेगुलर है, करते हो आप तो ये आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता राहु के प्रभाव से, तो कृपा करके और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको उसमें फायदा हो दोस्तों। संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है शत प्रतिशत और जल्द पूरी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड होते कर्तव्य, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बढ़ाने और बिताने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो अब तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम, शिव शंभो महा।